दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ एकदम दिल्ली रोड के साइड में। ये रही है कोलकाता, तो दिल्ली कनेक्टिविटी, दिल्ली हाईवे, और दिल्ली हाईवे के ठीक सामने है, दिस इज़ द बारबेक्यू जंक्शन। तो दोस्तों मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करूँगा, बट यहाँ पर बहुत ही क्राउड है, सामने गाड़ी है। तो दिस इज़ द बारबेक्यू जंक्शन। तो एक दिन मैं क्या हुआ, जब मैं तारापीठ से लौट रहा था उस साइड से, मैंने इस रेस्टोरेंट को देखा। यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ था बारबेक्यू खाने के लिए, एंड आई एम अ वेरी मच फूडी बंगाली पर्सन। एक पीस है 60 रुपीज़, और स्पेशल बारबेक्यू कबाब है 6 पीस 110। लक्ष्मी कबाब और कौन सा ज़्यादा बेटर है? सभी अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर है। टेस्ट है, स्वीट है, स्वीट है। ये जो है मैं विंग्स है, ओके, 4 पीस है, 4 पीस, ठीक है, 120। प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, एकदम सेबल, प्राइस तो एकदम कम है, एकदम कम है। सो एज यू हैव हर्ड दैट इज प्राइस इज वेरी मच रिजनेबल फेस्टिवल टाइम में। अगर दिल्ली रोड्स को एक्सप्लोर करने आप कहीं जा रहे हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस बारबेक्यू जंक्शन। तो दोस्तों ऑलरेडी 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरा रश्मि कबाब ऑलरेडी रेडी हो चुका है। लुक एट द सीन, ये मैंने बील भैया को दे दिया, दिस इज़ द रश्मि कबाब। तो चलिए पहले जगह पे पहुँचते हैं, बैठते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट कैसा है वो भी आपको खाते खाते समझाते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ द रश्मि कबाब। रश्मि कबाब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 कबाब यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ऑनियंस हैं, कुछ सॉसेस हैं, और यहाँ पर प्याज भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए पहले गर्मा गर्म रश्मि कबाब एक को तोड़ लेते हैं, गर्म है बहुत, वाह एकदम फ्रेश फ्लेश है, तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा
चटनी, लुक एट द चटनी ओवर देयर, ग्रीन चटनी, पुदीना चटनी शायद, लगा लिया, अभी इसको मुंह में डालेंगे। जस्ट अमेजिंग मैन, कैसे हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, पर यकीन मानिए द टेस्ट ऑफ द कबाब इज बहुत ही लाजवाब है। हाँ, जस्ट ब्रेबो, ये पूरा 6 पीस, ये भी काफ़ी नहीं है, 10-12-15-20 पीस होगा तो तभी पेट भरेगा, पर पहले इसको ही पहले खा ले तो उसके बाद देखते हैं दूसरा आइटम क्या उसका भी टेस्ट लेंगे। इसको बहुत ही धीमा धीमा आज में इसको बारबेक्यू किया गया है, ऊपर पूरा बटर और दूसरे जो मसाला लगा के अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद एक सॉलिड रेशमी कबाब रेडी होता है। क्या बोलूँ, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चिकन आइटम। और ये जो पुदीना चटनी है ना माशाल्लाह, इसका टेस्ट तो एक नेक्स्ट लेवल है। तो पूरा ख़त्म कर लेते हैं, ख़त्म करने के बाद अगर दिल चाहता है तो दूसरा कोई आइटम भी मैं ऑर्डर देने वाला हूँ। तो दोस्तों ऑलरेडी ये बारबेक्यू खाने के बाद अभी टाइम है फॉर द आइसक्रीम। ये क्वालिटी वर्ल्ड्स का आइसक्रीम का स्टॉल है और हम ये अभी खड़े हैं बाली बीच के ऊपर। भैया थोड़ा सा लाइट में दिखाओ ना, एग्जैक्टली क्वालिटी वर्ल्ड्स का ये पूरा आइसक्रीम रिकॉर्ड पे डाला जाएगा। देखिए एक कॉर्न का दाम है 35 रुपीज़। ओके, पहले देखकर सोचा था ये लोकल कॉर्न होगा, बट पास आने के बाद पता चला ये ओरिजिनल क्वालिटी वॉल्स का ही है, हिंदुस्तान लिवर का। ओके, जिसका ये टेस्ट तो बराबर होना चाहिए। एक्चुअली आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, कुछ भी खाओ उसके बाद अगर आइसक्रीम हो ना उसका तो फ्लेवर ही बहुत बढ़िया हो जाता है। वाह, जस्ट लुक एट द आइसक्रीम मैन, जस्ट लुक एट द, एकदम ये है रिवर गंगा, गंगा के उप साइड में ये बाली ब्रिज, इसके ऊपर मैं खड़े होकर अभी, बहुत ही एक फैबुलस क्या बोलूँ, जस्ट लाइक वेदर है, हवा चल रहा है और आई एम हैविंग द आइसक्रीम। तो एक्चुअली जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो कहीं पे तो घूमो, खाओ, सब कुछ करो, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो यही मैं आज कर रहा हूँ, पूरा मज़े ले रहा हूँ मेरा छुट्टी का। आई एम एक्सप्लोरिंग द आइस, बारबेक्यू हो गया, आइसक्रीम हो गया, इसके बाद क्या खाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों बाली ब्रिज में ऑलमोस्ट 1 घंटे स्पेंड करने के बाद, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस होने के बाद यहाँ से अभी निकलना है। तो चलिए एक ब्रिज का एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमेटिक शॉट देखते देखते बाली ब्रिज से निकलते हैं।
दोस्तों मेरे घर के एकदम करीब में ऑलरेडी आ चुका हूँ। एग्जैक्टली पूरा इवनिंग का एक सुंदर सा एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करके। ये है बिराटी मोड़, लेफ्ट साइड बिराटी, इधर चले जाओ तो कोलकाता, सीधे चले जाओ तो मेरा घर बाराशर। ये जगह पे जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, यकीन मानिए वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया। डे के टाइम आओ, सुबह के टाइम आओ, दोपहर के टाइम आओ, शाम के टाइम आओ, एनी टाइम, बट थैंक गॉड पूजा के टाइम में रास्ते का जो ट्रैफिक है दैट इज़ क्वाइट कंट्रोल ओवर हियर। एंड यू कैन सी दैट इज़ इक्का दुक्का गाड़ी इधर उधर जा रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो टाइम में पहुँच जाऊँगा। वो जो भाई साहब देख रहे हो ट्रैफिक पुलिस, प्लीज़ मेंटेनिंग द ट्रैफिक, होप सो सिग्नल हम लोग का हो जाएगा सुन। ओके अभी क्रॉसिंग होगा उसके बाद। चलो 10 तक गिनते हैं, 1, 2, 3। ओके 10 तक गिनने का जरूरत नहीं पड़ा। तो दोस्तों ऑलरेडी घूम के मैं आ चुका हूँ मेरे एरिया में, दिस इज़ माय एरिया। तो लोकल अभी सिर्फ 9:30 बजे है, तो अभी घर जाने का मूड नहीं है, तो मैंने सोचा कभी थोड़ा सा एरिया का जो हम लोग का लोकल जो फंक्शन का जो पूजा मंडप एरिया है वहाँ पर आकर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और यहाँ का भी सीन थोड़ा सा आपको दिखाया जाए। तो दोस्तों ऑलरेडी 30 मिनट्स आई हैव स्पेंड इन माई लोकल पूजा पंडाल, पर यहाँ पर एक चीज़ मैं खाना चाह रहा था, दैट इज़ द चाय टी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई टी स्टॉल नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं, और टी वाले सब चला गया है शायद। सो व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, पूरा टायर्ड हो चुका हूँ। आई हैव स्पेंड अ वेरी गुड क्वालिटी इवेंट टुडे आप लोगों के साथ एंड अ नाइस व्लॉग आई होप सो। व्यूज़ कितना आएगा दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट आई एंजॉयड दिस व्लॉग गाइस। तो चलिए अभी थोड़ा सा टायर्ड भी हो चुका हूँ और ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करके घर पहुँचते हैं। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग।